खबर बलिया से है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा अपराध के समूल उन्मूलन एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में थाना नगर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 91/22 धारा 992 भादवी से संबंधित अभियुक्तगढ़ की गिरफ्तारी व बरातगी का प्रयास किया गया था, जिसके क्रम में उप निरीक्षक चुन्ना सिंह मैं फोर्स तलाश संदिग्ध व्यक्ति वाहन के क्षेत्र में मयूर थे। आपको बता दें कि अभियान के तहत गिरफ्तारी की जा रही है। और वहीं बता दें आपको कि बेसलचंडी पंडितपुरा थाना कमासिन जनपद गाजीपुर ललित दीक्षित उर्फ पिंटू पुत्र शिव कुमार दक्षिण निवासी बिस्वा वार्ड नंबर 5 थाना बिस्वा जनपद सीतापुर के रघुनाथ मोड़ ग्राम रघुनाथ के पास से पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लिया है। आपको बता दें इनके साथ तमंचा जिंदा कारतूस मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गढ़ों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय बलिया रवाना किया जा रहा है। सर, आज थाना नगरा पुलिस को किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? सर, जनपद बलिया के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगरा की पुलिस को आज एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना नगरा में 26/4/2022 को एक बाइक की लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। उक्त टीमें सीओ रसड़ा के नेतृत्व में लगातार जनपद बलिया एवं आसपास के जनपदों में कार्य कर रही थी। इसी क्रम में घटना के घटित होने के लगभग 9 महीने बाद आज नगरा पुलिस की टीम को यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुए उक्त घटना में शामिल 3 अभियुक्तों, जिनमें से 2 गाजीपुर के रहने वाले हैं और 1 सीतापुर जनपद के रहने वाला है, इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त बाइक और घटना में लूटी गई बाइक, इस प्रकार कुल 2 बाइकें बरामद की गई हैं तथा उनके पास से 2 अदद देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से यह सफल अनावरण नगरा पुलिस की टीम द्वारा करते हुए यह मैसेज भी बलिया पुलिस द्वारा अपराधियों को दिया गया है कि घटना घटित करने के बाद पुलिस की टीम लगातार काम करते हुए तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि घटना कारित करने वाले अपराधियों को हम सलाखों के पीछे ना भेज दें। तो आज इस क्रम में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता बलिया पुलिस को प्राप्त हुई। धन्यवाद।